अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूने मकानों में घटित नकबजनी के 6 मामलों का खुलासा दुर्ग के नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूने मकानों में घटित हो रही चोरी की घटना की शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस के अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से सोने व चांदी के जेवर और एक लैपटॉप सहित 145 ग्राम सोना और वहीं 700 ग्राम चांदी सहित 10,000 रुपये नगद, एक एक्टिवा स्कूटी सहित कुल 11 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। इन दोनों आरोपियों ने मिलकर आसपास के एरिया में 6 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। सुने मकानों का स्कूटी में घूम घूम कर पहले रेकी किया करते थे और उसके बाद रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और चोरी के सामान को रायपुर निवासी शिवशंकर राय को बेचा करते। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के द्वारा उक्त कार्रवाई में एंटी क्राइम साइबर यूनिट और अमलेश्वर थाना के आरक्षक को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया। अमलेश्वर थाना अंतर्गत वुड आइलैंड रेसिडेंशियल सोसाइटी में विगत 4 महीनों से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। सोने मकानों पे ताला तोड़ करके चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने पर अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम बनाई गई थी, जो कि उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण कर रही थी, साथ साथ साइबर इनपुट भी ले रही थी। हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान कुछ क्लूज मिले और उस क्लूज से हम लोगों ने आगे रायपुर पुलिस से मदद मांगी। रायपुर जाकर हमारी एक टीम वहां पे लगातार पतासाजी कर रही थी और वहां पर हम लोगों ने फिर जो मुख्य आरोपी है सोनू विश्वकर्मा, उसको अरेस्ट करके पूछताछ किया और पूछताछ में उसने चोरी करने को बोला है। कुल 6 घरों से इसने लगभग 11 लाख रुपए का मशरूका चोरी किया था, जिसमें सोने चांदी के जेवर थे। हम लोगों ने वो मशरूका बरामद किया है, कुछ कैश भी था जो इसने खर्च कर दिया है और साथ साथ एक लैपटॉप भी चोरी हुआ था, वो लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इसने अपने साथ 2 और साथियों को शामिल किया था जो कि सोने चांदी के जेवर खपाने में इसकी मदद करते थे। उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और इन तीनों को ही न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।